नमस्कार, माँ की पाकशाला में आप सभी को स्वागत है। मैं माया देवी आज नई रेसिपी लेकर आई हूँ, कदम फल का चटनी। ये कदम फल जो है कृष्ण भगवान के बहुत प्यारा ये पौधा है, और इस कृष्ण भगवान इसी पे कदम के पेड़ पर झूला लगाकर झूलते थे, बंसीया बजाया करते थे। तो ये कदम फल जो है उन्हीं का प्यारा फल है। ये बहुत स्वादिष्ट इसका चटनी लगता है, खट्टा मीठा लगता है ये चटनी। तो ये हम इसी चटनी बनाएंगे। अब वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, नई नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने मैं आती रहूं। तो चलिए तो मैं दिखाती हूं कि कदम फल कैसे चटनी इसका बनेगा। तो ये हम कदम फल लिए हैं, हम 6 कदम फल लिए हैं, और लहसुन के कली हम लिए हैं 8 से 10 कली लिए हैं, 2 हरी मिर्च लिए हैं, नमक स्वाद अनुसार। इतने से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कदम को काट लेते हैं। इस तरह कदम को काटना है। हम सिर्फ ऊपर के इसका गुद्दा चाहिए, हमें इसका रेहड़ी जो है नहीं चाहिए। तो हम इसी तरह सारे कदम को काट लेंगे। तो गुद्दा को हम ले लेंगे, ऊपर का भाग, नीचे के भाग में जो ये खराब है इसको फेंक देंगे हम। इस तरह देखिए, ये लीजिए। तो हम छोटे छोटे टुकड़े में कदम फल को काट लेंगे। तो अब मैं चलती हूँ, इसको पीस लेंगे हम। हम इसको एक जार में डाल देते हैं। अब हम जो लहसुन का कली है इसको भी डाल देते हैं। दो हम हरी मिर्च लिए, इसको 2 टुकड़े करके डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी। अब हम डालते हैं पानी, थोड़ी सी पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। इसमें मैं नमक भी डाल दूंगी, हम नमक को भी डाल देते हैं। हम सारे चीज को डाल दिए, अब हम बंद कर देते हैं। बंद कर देती हूँ, हो गया। ये देखिए कितना बढ़िया मेरा कदम फल का चटनी पीस गया है। ये देखिए कितना बढ़िया मेरा चटनी पीस चुका है। तो मैं चलती हूँ परोसने के लिए। इसको एक बॉल में मैं निकाल लेती हूँ। अब इसमें मिलाएंगे हम सरसों का तेल। मैं डालती हूँ 1 चम्मच सरसों तेल, क्योंकि नमक मैं डाल चुकी हूँ, तो मैं सरसों तेल को मिला देती हूँ। अब इसको चला लेंगे। इस सब चीज़ों से इतनी स्वादिष्ट चटनी बनता है कि अब ये लीजिए, मेरी कदम फल का चटनी बनकर तैयार हो गया। तो इस चटनी को आप भी अपने घर में बनाएं, और रोटी में खाएं, चावल में खाएं, पराठे में खाएं, समोसे में खाएं, ये किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकती हैं। और मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।